अभी पैकिंग चल रही है, ठीक है। फटाफट मैंने क्विकली तू भी हाय गाइस करा करेगा क्या? अच्छा तू भी सोना बच्चा है। फ्लाइंग किस दे? ऑलराइट गाइस, सो अभी मैंने फटाफट डायपर बैग शूट करा है, फर्स्ट क्राई हॉल शूट करा, और फिर मैंने अपना नॉर्मल घर के कपड़ों में बैठ गई हूँ। एंड दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल आउटफिट अब तक मेरे पास, जितने भी आउटफिट हैं सब में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल आउटफिट ये वाला है। ये मेरी सिस्टर, ये मैं इसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत ही कम्फर्टेबल आउटफिट। मम्मा इज नॉट नॉटी। मम्मा नॉटी नहीं है। देख के खुश हो रहा मुझे। ऑलराइट गाइस, सो अभी मैंने डायपर बैग शूट किया था, व्हाट्स इन माय डायपर बैग। और अभी डायपर बैग पहले मैंने पैक करा था, फिर उसके बाद अनपैक करा शूटिंग के लिए। अब दोबारा पैक करूंगी क्योंकि मुझे ट्रैवल करना है, ठीक है। ये अभी सबसे ज्यादा रॉ, और कमरे की हालत तो ऐसी हो रखी है, जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो पूरा घर मेरा उथल पुथल हो जाता है जाने से पहले, और ज्यादा टाइम थोड़ा थोड़ा ठीक रहता है एंड फिर आके तो पूरा सही करना पड़ता है, ठीक है गाइस। तो ये फर्स्ट क्राई हॉल का सामान है, इसे यहाँ से हटाओ, और डायपर बैग मैं यहाँ पर पैक कर रही हूँ। तो डायपर बैग वाला और फर्स्ट क्राई हॉल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं सबसे पहले तो व्हाट्स इन माय डायपर बैग जाएगा। हाँ तो ये ब्लॉग बाद में आएगा। ओके, अभी मैंने ना प्लानिंग करी है, तो सबसे पहले मेरा जाएगा डायपर बैग वाला, ठीक है, सबसे लास्ट में जाएगा फर्स्ट क्राई हॉल। तो यस, दोनों के लिंक डालूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चेक कर लेना, ठीक है। ये पूरी कंटेंट प्लानिंग करिए इस महीने की, प्लस एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। तो मैं हर ट्यूसडे को, यस क्या हुआ? नो यू ओपन इट। तो ओके ओके, गिव इट टू मी। व्हाट हैपेंड? नो, it will not open. No, it will not open. No, it will not open, beta. There is no space. चलो सीडीज इसमें रखो और ब्रश करो पेंटिंग। हाँ देखो ये कितनी बातें कर रहा है, ठीक है। तुम्हें कहाँ पे थी? कहाँ पे थी मैं? आजा तू भी आजा। तू डायपर में आएगी क्या स्क्रीन पे? आजा चल, कोई बात नहीं। आजा सब आजा बात करने के लिए। दिशा आजा, तू भी आजा, सबसे ज्यादा तो यही एंटरटेन करती है। आओ दिशा, कम। तो अभी हम सब ऐसे ही बैठे हैं कैजुअली। हाय गाइस, कैसे हो सब लोग? हाउ आर यू ऑल? यहाँ पे ये भी बातें चल रही है। अरे भैया पैकिंग करनी है मुझे। ये नकली हंसी, इनकी नकली हंसी। ओ यार ये कितनी बातें कर रहे हो मुझे तो इसका सोचो। नो दैट्स माय बैग, लो जल्दी से
नो बाबू ओके इट्स त्रिशाज बैग अभी सब शेम शेम करेंगे आपकी आपकी वाओ शेम शेम आपकी यार मेरे को क्या बोला था मैं भूल गई ठीक है तो फिर मैं अभी अपना डायपर बैग पैक कर लेती हूँ बहुत ही ज्यादा ऑलराइट गाइस सारी पैकिंग हो चुकी है ये 3 बैग पैक हुए हैं प्लस एक लैपटॉप बैग पैक हुआ है स्टॉलर में लेके जा रही हूँ बेबी के साथ और इसमें 3 बैग में एक मेरा बैग आउटफिट का ही है जो कि मैं अपने भाई की सगाई में पहनूंगी और यहाँ पर ये वाला बैग मैं सोच रही थी कैरी करूँ बट बाद में मैंने उसको स्किप कर दिया तो फिलहाल सारी पैकिंग हो चुकी है टोटल आई थिंक 4 बैग्स बने हैं और प्लस एक स्टॉलर ठीक है स्टॉलर कैरी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जब आप एक न्यू बॉर्न के साथ जा रहे हो तो स्टॉलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है और काफ़ी मतलब बाइक ट्रेन जा रही थी तो काफ़ी आसानी हो गई थी ले जाने में सो गाइज मैं मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ गई थी और पैकिंग करने में बहुत टाइम लग गया मेरे को सुबह भी पैकिंग चल ही रही थी और अब फाइनली हम लोग निकल रहे हैं और अभी हम काफ़ी टाइम पहले जा रहे हैं ऐसा नहीं है कि एकदम मोमेंट पे जा रहे हैं हम काफ़ी टाइम पहले जा रहे हैं और यहाँ से हम निकल जाएंगे हमने कैब बुक करी थी तो कैब के थ्रू जाएंगे और अब हम पहुँच गए हैं यहाँ पर जयपुर स्टेशन तो यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी तो मेरी थोड़ी डांट पड़ गई क्योंकि उस समय हम थोड़ा सामान ले जा रहे थे और मैं वीडियो बनाने में लगी हुई थी जयपुर स्टेशन पहुंचने के बाद मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा हार्डली आधा घंटा वेट करना पड़ा और फिर हमारी ट्रेन आ गई थी और सीट्स हमें दोनों सीट्स हमें ऊपर वाली मिली थी तो हम आसानी से जो है सीट में लेट गए थे और फीडिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं हो रही थी तो यहाँ पर मैं और छोटा बेबी है साथ में और उधर दूसरी साइड है त्रिशा और उसके पापा तो यहाँ पर हम ट्रेन में मैंने सोचा थोड़ा बहुत उतना तो नहीं बना पाते लेकिन थोड़ी बहुत वीडियो बनानी थी तो मैंने बना ली अब इसमें भी मैं क्या वीडियो बनाती ये ऊपर वाली जो सीट्स थी इसमें कोई ना सीन आता ना कुछ तो इसलिए पर्दों की वीडियो बना ली मतलब ज़्यादा टाइम जो है ट्रेन के मूवमेंट्स कैप्चर नहीं हो पाए क्योंकि नीचे वाली सीट नहीं मिली थी और ये वाली सीट काफ़ी बड़ी थी ऐसे नहीं है कि सीट बड़ी नहीं थी आते टाइम सीट थोड़ी अनकम्फर्टेबल थी बट जाते टाइम सीट जो है वो कम्फर्टेबल थी तकरीबन 2:30 बजे के करीब हम लोग जो है लखनऊ स्टेशन पहुँचे थे और टोटल 12 घंटे का रास्ता रहता है और जाते टाइम कोई दिक्कत नहीं हुई थी और हमें रिजर्वेशन भी मिल गया था टाइम से तो लखनऊ का स्टेशन मैंने आपको पहले भी कई बार वीडियो में दिखाया है मैं जाती रहती हूँ लखनऊ तो वहाँ का स्टेशन काफ़ी अच्छा लगता है मुझे एकदम महल टाइप है तो यहाँ पर अभी वो टाइम चल रहा है जहाँ पर हम लखनऊ स्टेशन पहुँच चुके हैं तो यहाँ पर लगेज वगेज सब उतार लिया है और अब फिलहाल हम लोग जो है यहाँ पर थोड़ा चाय वाय पियेंगे और थोड़ा कुछ खाएँगे फिर उसके बाद हम लोग घर जाएँगे तो मैंने चाय ढूंढी तो कुछ इतनी अच्छी नहीं मिली लेकिन जबकि पिछली बार जब मैंने यहाँ से चाय पी थी तो वो काफ़ी अच्छी थी बट इस टाइम उतनी कुछ खास नहीं थी अब फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं घर पे
और बैक टू बैक जो है हमें काफ़ी फंक्शंस अटेंड करने हैं। तो सबसे पहले जो फंक्शन अटेंड करना था वो हम लोग को करना था मेरी जो सवा महीने पे पूजा होती है बेबी होने के बाद, वो तो वहाँ पे मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी। ये वाली साड़ी मैंने मेरठ से ली थी, बहुत ही प्यारा कलर और बहुत ही ब्यूटीफुल आउटफिट था। पूजा होने के बाद मुझे अपने भाई की सगाई अटेंड करनी थी, तो यहाँ पर मेरा भाई आया है शॉपिंग करने के लिए, थोड़ा अपने लिए कुछ सामान खरीदने के लिए, तो मैं भी उसके साथ आ गई थी और तिशा भी मेरे साथ आ गई थी। मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ तो दोनों बच्चों को साथ लेके आती हूँ। तो यहाँ पर आई थिंक ये वी मार्ट है या फिर रिलायंस ट्रेंड है, इनमें से कोई। क्या कर रहे हो तुम? ये रहा मेरा भाई। किस चीज़ के लिए? किस चीज़ की? सगाई की। चलो हाय बोल दो सबको। कैसा फील हो रहा है? थोड़ा तेज बोलो तभी तो सुनाई देगा। अच्छा फील हो रहा है। और यहाँ पर मैं भी आ गई कि सोचा मैंने कि मैं व्लॉग बना ही रही हूँ तो थोड़ा अपने आप को भी दिखाई दूँ व्लॉग में। तो यहाँ पर जो है मेरा भाई शूट कर रहा है, ये मेरी, हाँ आई थिंक मेरा भाई ही शूट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कपड़े ढूंढ रहे हैं और यहाँ पर सच में मेरे भाई ने तो खैर पसंद कर लिया, लेकिन मुझे सच में कोई कपड़ा पसंद नहीं आ रहा था। पता नहीं क्यों, मुझे ना कुछ मतलब थोड़े फंकी टाइप के कपड़े अच्छे लगते हैं। और ये फाइनली है मेरे भाई का सगाई का माहौल और वहाँ पर उसकी जो है पूजा चल रही है और फिर उसके बाद अभी लड़का लड़की की एंट्री होगी। ये ब्लू ड्रेस में मेरी बहन की डॉटर है और वो जो कोट पैंट में बैठा हुआ था वो भाई बहन का बेटा है और ये मेरा भाई है, इसकी पूजा हो रही है। और यहाँ पर ये बैठी हुई है स्टेज पे मेरे होने वाली भाभी, काफ़ी चुलबुली टाइप की भाभी है मेरी। और ये है मैं और ये जो है मेरी सिस्टर है दाऊजी की लड़की और ये भी शूट वगैरह करती है, मॉडल है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी दीदी है वाइट वाले क्लोथ में और जो लंबी सी है सबसे वो मॉडल है। ठीक है, यहाँ पर ये मैं हूँ और मैंने अपने मेकअप करवाया था कट स्टाइल एंड स्टूडियो से। मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन, लिंक नहीं दूँगी, हाँ पेज का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यहाँ पर मम्मी है मेरी, मदर इन लॉ, वो गोद भराई कर रही हैं। फिर इनके बाद जो है हम लोग गोद भराई करेंगे। और ये पर्पल कलर में मेरी मम्मी है, वाइट कलर वाले लहंगे पर मेरी सिस्टर है। ठीक है, और ये मैं बहुत ही रॉ व्लॉग शूट कर रही हूँ, कल मुझे इसको अपलोड करना है तो इसलिए फटाफट मैं आज वॉइस ओवर दे रही हूँ कहाँ कहाँ से क्लिप ढूंढ कर। और मेरी डॉटर है यहाँ पर, अभी मैं गोद भराई कर रही हूँ। तो गाइस पहले स्टेज की फोटो सेशन के बाद फिर दोबारा लड़का लड़की की एंट्री करवाई थी और यहाँ पर ये एंट्री करके दोनों कपल्स बहुत ही प्यारे लग रहे थे और बहुत ही प्यारा कलर का इन्होंने मैचिंग आउटफिट पहना था। इसके बाद इन्होंने डांस भी करा था, उसकी परफॉर्मेंस मैं आपको दिखाती हूँ। I step up to the mic, thought a naked swing. Feel the rhythm in your bones, let the music sing. Got that poppin' beat, gonna make you move. Dancing on the floor in the swinging groove. Clap your hands now, let the trumpets sound. Swinging to the left and swinging to the right. No room for worries, just let go and be free. When the swinging pop, come and join the spree. Swinging melodies, taking us high. Can you feel the pop? Let's get the party started.
अब सगाई अटेंड करके अगले से अगले दिन यानी कि दो दिन बाद हम लोग वापस चल दिए। तो यहाँ पर सेम वही पोजीशन है, छोटा बेबी मेरे पास, बड़ा बेबी हस्बैंड के पास, ठीक है। और काफ़ी थक चुके थे वापस आकर इतने सारे फंक्शन अटेंड करके, वो आपको मेरे चेहरे से भी पता चल चुका होगा। तो बस गाइस यहीं पे थोड़े बहुत आपको ट्रेन के व्यू दिखा देती हूँ जाते टाइम। और क्योंकि हाँ एक चीज़ और आपको बताना भूल गई कि हम लोग को सीट अलग अलग मिली थी, बट हम लोग को टीटी जहाँ पर सीट थी टीटी की वहाँ पर हमें मिल गई थी, लेकिन रिजर्वेशन हमारा अलग अलग सीट का हुआ था। दैट्स ऑल गाइस, ये व्लॉग यहीं पर मैं एंड करती हूँ। और ये कुछ व्यूज़ हैं जो जाते टाइम मैंने लिए थे, क्योंकि हमें दोनों की दोनों सीट नीचे वाली मिल गई थी। और ये काफ़ी हमारे साथ आई थिंक सेकेंड टाइम ऐसा हुआ है कि दोनों सीट हमें नीचे वाली मिल गई है। वैसे हमेशा हमें ऊपर वाली सीट ही मिलती है, और यहाँ पर ये पूरे रास्ते सोते हुआ है, कोई परेशानी नहीं हुई और आराम से हम ट्रैवल कर लिए। तो जब छोटा बेबी हो तो आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन हाँ टॉडलर होता है तो थोड़ा शैतानी बच्चे बचाते हैं, तो हम इतने आराम से ट्रैवल नहीं कर पाते। और लकीली जाते टाइम हमारी ट्रेन भी हमें टाइम पे मिल गई थी, ऑल दो इस टाइम हम लेट हो गए थे। दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, और मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बहुत ही रॉ ब्लॉग है, कुछ एडिटिंग में मिस्टेक हो तो सॉरी।